इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर वन द यूनिवर्स। यूनिवर्स कायनात को कहा जाता है। अब हबल टेलीस्कोप है, उसके जरिए यानी कि पिक्स ली गई हैं। अब वहाँ पर 800 से 600 किलोमीटर अबव है, तो वहाँ पर क्या है कि डस्ट वगैरह नहीं है, तो क्लियरली यानी कि इमेजेस होती हैं। अब डिस्टेंस इन स्पेस आर सो ह्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि अर्सा यानी कि डिस्टेंसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या कहते हैं कि इसको हम उसको किलोमीटर्स में माप नहीं सकते, तो एस्ट्रोनॉमर्स इनको लाइट ईयर में कंसीडर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, अब जब ऊपर यानी कि देखते हैं हमारी यानी कि यूनिवर्स में, तो सन्स और प्लैनेट्स नजर आते हैं। अब सन क्या है? सन इज़ अ ह्यूज स्टार। सन एक जो बड़ा सितारा है, यूजली इनक्रेडिबल हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। प्लैनेट्स इवॉल्विंग अराउंड, और यानी कि सूरज है और उसके गिर्द यानी कि बाकी प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं, और ये सूरज और प्लैनेट्स जो है मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब सोलर सिस्टम में और सन इज़ ओनली अ मीडियम साइज स्टार। हमारा सर जो यानी कि हमारा जो सूरज है, सन है, वो स्टार है, तो मीडियम साइज है कंपेयर विद अदर इन द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए तो इनकी मीडियम साइज है, इवन दो इट्स डायमीटर इज़ मोर देन 100 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर जो है वो हमारी ज़मीन से 100 गुना ज़्यादा है। इट हैज़ 8 प्लैनेट्स, इसके यानी कि 8 यानी कि सियारे हैं जो कि इसके गिर्द घूमते हैं, एंड ऑल टू दे फॉर्म यानी कि मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ ऑल द मटीरियल फाउंड इन आर सोलर सिस्टम। हमारा जो सूरज है वो यानी कि टोटल यानी कि सोलर सिस्टम में पाए जाने वाला 99% कवर करता है। द हीट ऑफ द सन कम फ्रॉम अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। द 8 प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, विच आर नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल और ओवल इन शेप। द टाइम फॉर ईच प्लैनेट टू मेक वन जर्नी राउंड द सन डिटरमिन द लेंथ ऑफ दैट प्लैनेट, मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी यानी कि अर्थ उसमें जल्दी कवर करें। अर्थ फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ जो है वो 365.5 days यानी कि कवर करता है, और अब यानी कि हमारे 4 साल, मतलब 4 साल बाद एक दिन ऐड होता है हमारे फेब में, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। 365 मर्करी द नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन, ये जो यानी कि सबसे करीबी सियारा है, तो विजिज इन 88 days, वाइल नेपच्यून द प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन टेक्स 165 years। तो इसी तरह यानी कि आगे यानी कि जैसे जैसे दूर है तो वैसे वैसे वो डेज भी ज़्यादा लगते हैं उनको। मर्करी एंड विनस आर टू क्लोज टू द सन, मर्करी विनस बहुत ज़्यादा क्लोज है, सो दैट सो हॉट दैट नो लाइफ कुड एग्जिस्ट देयर। मर्करी विनस में कोई यानी कि जिंदगी पाई नहीं जाती। अभी इसी तरह डिफरेंट सियारों का यानी कि सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अब देखा जाए तो यहाँ पर आता है द मून, फेसेस ऑफ द मून, ये अब हम कल स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इसकी हाफ रीडिंग करनी है। ठीक है एवरीवन।